हाय, हाउ आर यू ऑल? लेट्स स्टार्ट द टुडे क्लास. टुडे टॉपिक इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. एंड फर्स्टली सॉरी, मैंने आपका वेलकम नहीं किया. वेलकम टू करियर गोल्स. आई होप ऑल आर गुड. सो लेट्स स्टार्ट द टुडे टॉपिक. टुडे टॉपिक इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. मतलब बायोटेक्नोलॉजी क्या है, क्या चीज़ है, हम इसको क्या वो पढ़ते हैं और इसकी इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. मेन तो इसका यही मतलब है कि मेन चीज़ जो बायो रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज होती हैं वो हम कहाँ कहाँ उन सब चीज़ों का यूज़ में ले सकते हैं, उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं. ठीक है, उसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. तो उस चीज के बारे में आज हम सब लोग डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है, इसको हम क्यों यूज में लेते हैं. एंड फर्स्टली एक चीज और, अगर इस क्लास को आप बहुत डेडिकेशन के साथ और बहुत ध्यान से सुनते हैं तो आपका प्लस पॉइंट ये कि आपके माइंड से एक चीज़ क्लियर आउट हो जाएगी कि आपको आफ्टर ट्वेल्थ क्या करना है. अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी लेनी है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या हम लोग काम करते हैं, वो भी आप चीज़ पढ़ सकते हैं. तो फर्स्टली क्या क्या स्कोप है, लाइक मेडिसिन में स्कोप है, एग्रीकल्चर में, पावर इंडस्ट्रीज में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में, फूड इंडस्ट्रीज में एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में. तो मोस्टली जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें दवाइयाँ बनाने के लिए भी यूज़ में होते हैं, जितने भी एग्रीकल्चर है. ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बताऊँ तो एक रिसेंट एग्जाम्पल और जो सबको पता है, जैसे एग्जाम्पल ऑफ ए बीटी कॉटन. ठीक है, वो भी एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट के थ्रू ही है, वो भी एक एग्रीकल्चर का ही एग्जाम्पल है. ठीक है, पावर इंडस्ट्रीज में जितनी भी आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज टाइप में आती हैं या जो भी आपकी हाइड्रो इंडस्ट्रीज हैं, ये सब इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन. ठीक है, फूड इंडस्ट्रीज, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी बायोटेक्नोलॉजी में. ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, इस टर्म का मीनिंग क्या है और इसका मेन इंट्रो क्या है, हम इसको कहाँ का यूज कर सकते हैं. तो फर्स्टली जो ये टर्म है बायोटेक्नोलॉजी डील करती है किसके साथ, एक इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन, जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है या बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिक मॉडिफाइड माइक्रोब्स हैं, फंगी है, प्लांट एनिमल, इन सब चीज़ों में मेनली इनका यूज होता है, वहां पे इनके साथ डील आउट किया जाता है. ठीक है, बेस्ट चीज है ये बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि बहुत सारे फील्ड में ये काम करता है. बहुत सारी चीज़ों में आप इस फील्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ों में आप आके काम कर सकते हैं. ठीक है, देन उसके पास बाद है एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ चीज़ें यूज होती हैं, क्या क्या मेन एप्लीकेशन है इससे रिलेटेड. मतलब आप डायग्नोस्टिक सेंटर्स में जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हैं, एग्रीकल्चर की क्रॉप्स वगैरह में, प्रोसेस फ्रूड फ्रूड वगैरह जो होता है, मतलब जो प्रोसेस खाना बनता है, जो हम लोग आजकल मोस्टली जो लोग हैं आजकल इतने बिजी हैं अपने लाइफ शेड्यूल्स में कि मोस्टली वो फूड प्रोसेस फूड का ही इंटेक करते हैं, या बायो रेमिडेशंस हो गए, या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं. ठीक है, वेस्ट ट्रीटमेंट हो गया, या एनर्जी प्रोडक्शन करवाने. वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए मेनली क्या होता है, STP एंड WTP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, ये किस में आती हैं, ट्रीटमेंट प्लांट में आती हैं, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट ट्रीटमेंट में ही आती हैं. तो ये कुछ कुछ एप्लीकेशंस होती हैं बायोटेक्नोलॉजी की जो मेनली यूज़ की जाती हैं, ये मैंने आपको क्लियर किया. मेजर रिसर्च एरिया क्या है, आप इस एरिया पे या इस फील्ड में आकर कहाँ कहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं, आप सप्लाई कर सकते हैं बेस्ट कैटलिस्ट, जैसे माइक्रोब हो गया, प्योर एंजाइम हो गए, उनको इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योर ऑर्गेनिज्म में या विद ए बेटर कैरेक्टरिस्टिक आप क्रिएट कर सकते हो ऑप्टिमल कंडीशन बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है उसके बारे में. आप प्योरिफिकेशन कर सकते हो प्रोटीन का या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का. ठीक है, डेवलपिंग कर सकते हो डाउन स्ट्रीम टेक्नोलॉजी. अब जो मैंने आपको चीज़ बताई कि मोस्टली ये एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, ठीक है, पावर इंडस्ट्रीज में, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, ठीक है, पावर इंडस्ट्रीज में, मेडिसिन, केमिकल, फूड, इन्वायरमेंट, तो वही सारी जो रिसर्च पॉइंट्स हैं ये वो सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्टली हम क्या डिस्कस करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में या एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसके अंदर कैसे ये यूज में आता है, कैसे
कैसे इसका काम में लिया जाता है। तो फर्स्टली हम इसको क्यों यूज में लेते हैं, जिससे हम फूड प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर सकें। जो भी खाने की चीजें हैं या खाने पदार्थ हैं या कुछ भी चीजें हैं, उनकी जो क्वांटिटी, अगर वो अभी 5 किलो बन रही है तो इसकी हेल्प से वो 20 से 25 किलो बन सके, ज्यादा से ज्यादा बन सके और पॉपुलेशन को ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो 3 मेन चीजें होती हैं, आर्गो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री होगी, ऑर्गेनिक कल्चर होगा या जेनेटिक मॉडिफाई जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप होंगी। ठीक है, तो फर्स्टली आता है ग्रीन रिवोल्यूशन होता क्या है, मतलब क्या है, क्या इसका चीज है। तो ये तो आपके 3 अचीव थे जो मेनली जहाँ पे ये सब होता है, जहाँ पे फूड प्रोडक्शन का काम किया जाता है। तो क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज होती है बाय द यूजिंग इम्प्योर क्रॉप इम्प्योरिटीज। ठीक है, जितनी भी इम्प्रूव क्रॉप वेराइटीज होती हैं उनकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाता है। बेटर क्रॉप मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिसेस की जाती हैं, यूज किए जाते हैं कुछ एग्रोकेमिकल जैसे फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स को हम यूज करते हैं, जिससे क्या है कि क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हो सके और फास्ट हो सके। क्योंकि कोई कोई सॉइल जो होती है बहुत फर्टाइल, मतलब ऐसी होती है कि जिसमें क्रॉप्स की ग्रोथ होना जो है वो बहुत मुश्किल होता है या बहुत स्लो होता है, इसलिए जो है फर्टिलाइजर्स को यूज किया जाता है सॉइल के अंदर, जिससे उनकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी फास्ट हो सके। ओके, एंड पेस्टिसाइड्स, तो आप सबको पता है कि जितने भी कोई क्रॉप के ऊपर कोई इंसेक्ट्स लग गए हैं, कोई पेस्ट आ गए, तो उसको किल करने के लिए हम लोग जो है पेस्टिसाइड्स को यूज करते हैं। फ्रूट सप्लाई एज ए ट्रिपल बट हैज नॉट एनफ फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है, आर्गो केमिकल जो होते हैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जो फार्मर्स जो होते हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, उसको नहीं ले पाते, क्योंकि वो इतने ज्यादा महंगे होते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन ईल्ड विद द एग्जिस्टिंग वेराइटी आर नॉट पॉसिबल बट इज ए कन्वेंशनल ब्रीडिंग। ठीक है, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का हम कुछ इंट्रो देते हैं कि भाई क्या होती है, कैसे होती है, एंड कुछ अल्टरनेटिव होते हैं उनके, जिससे हम उसकी मैक्सिमम यील्ड को जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं या जेनेटिक क्रॉप्स को जो है समझ सकते हैं। तो कुछ यूजफुल एस्पेक्ट्स हैं जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट के, वो भी एग्रीकल्चर में। पहला, जो भी न्यूट्रिशनल क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना, उसको अच्छा बनाना, बेटर नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोवाइड कराना। तो अगर न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीज होगी उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, तो एग्जाम्पल के लिए विटामिन ए में इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, बेटर नाइट्रोजन फिक्सेशन होना, टॉलरेट टू द एंटीबायोटिक स्ट्रेस जैसे कोल्ड हुआ, सॉल्ट हुई, हीट को इनका टॉलरेंस पावर, रिड्यूस द रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप का फॉर्मेशन होना, हार्वेस्ट लूज पोस्ट रिड्यूस करना, इंक्रीज करना एफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स की यूजेस बाय द प्लांट, जैसे इन सब चीज़ों की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, मिनरल्स के यूज़ बढ़ाना जिससे प्लांट की एफिशिएंसी अच्छी हो, ग्रोथ अच्छी हो, प्रोडक्शन ऑफ द डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप। ठीक है, एंड माइक्रो प्रोपोगेशन ऑफ बायोमास एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, ये टॉप 10 जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, जैसे सोया, कॉर्न, राइस, ठीक है, टमाटो, पटेटो, कॉटन सीड, पपाया, पी एंड डेरी प्रोडक्ट। ये जितने भी 7-9 टाइप्स ऑफ के फ्रूट्स हैं या 9 टाइप्स के ऑफ फूड्स हैं, दीज आर द ऑल आर द जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। ठीक है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होते हैं। तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्या होता है, उसका क्या मतलब है, किस लिए यूज़ किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजिकल के वो भी एग्रीकल्चर में पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट को यूज़ किया जा सकता है, जिससे क्या है कि जो भी प्लांट ग्रो हो रहे हैं उनके ऊपर स्प्रे रिड्यूस कर सकें, हम कम कर सकें, जिससे जो प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छी हो सकें। डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट जो है वो रिड्यूस कर देते हैं यूजेस ऑफ द पेस्टिसाइड। गाइस प्लीज, ठीक है, एंड फर्स्ट मेन अप्रोचेस क्या होती है कि बीटी ऑटोक्सिन होता है जो टारगेट प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे हमने कुछ कुछ नई नई चीजों का फॉर्मेशन किया, लाइक ए बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टमाटो, पटेटो एंड सोयाबीन।
अब बीटी टॉक्सिन जो होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, वो कहाँ से आता है, मेन बात ये आती है, मेन मुद्दा ये है कि ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है। तो बीटी टॉक्सिन जो होता है प्रोड्यूस होता है बाय द बेसिलस साइनोजेनेसिस से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस से, प्रेजेंस ऑफ बीटी टॉक्सिक जीन, किसके प्रेजेंस से, बीटी टॉक्सिक जीन के की प्रेजेंस में प्रोड्यूस होता है ये बेसिलस थायोजिन्स। ठीक है, बीटी टॉक्सिन जीन जो होता है वो क्लोन बाय द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से क्लोन करते हैं एंड एक्सप्रेस करते हैं प्लांट के अंदर एंड प्रोवाइड करते हैं क्या, रेजिस्टेंस टू द इंसेक्ट, जो भी इंसेक्ट्स हैं उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर हमारे पास हमें इंसेक्टिसाइड की कोई नई नीड नहीं होती, ठीक है, ओनली बायो पेस्टिसाइड। ठीक है, अब मेन चीज क्या है कि मैकेनिज्म क्या है बीटी कॉटन एंड बीटी टॉक्सिन का, ठीक है गाइस, यहाँ तक ये चीज आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, उसके बाद क्या मैकेनिज्म है, प्रोसेस क्या है, कैसे किया जाता है बीटी टॉक्सिन एंड बीटी कॉटन का, मेन प्रोसेस क्या है, क्या चीज यूज करते हैं हम लोग। तो बीटी का फुल फॉर्म क्या चीज है वो मैंने आपको बता दिया। तो बीटी टॉक्सिन क्या एक प्रोटीन है मेनली, ठीक है, जो खाली जिसका खाली एक ही काम होता है कि वो इंसेक्ट्स को मारता है, इंसेक्ट्स को किल करता है। अब किस सा टाइप के इंसेक्ट्स हो सकते हैं, आर्मी वॉर्म इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड वॉर्म इंसेक्ट्स हो सकते हैं, टोबैको बर्ड वॉर्म जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो किल हो सकते हैं। ठीक है, फ्लाइज या मॉस्किटोज जो हैं हम उनको भी किल कर सकते हैं। तो बीटी टॉक्सिन जीन जो होता है मेनली वो एक्सप्रेस करता है किसको, प्रोटीन को, का क्या है, वो इटसेल्फ एक्सप्रेस करता है प्रोटीन को, क्रिस्टलाइज करता है एक पर्टिकुलर फेज ऑफ बैक्टीरिया में, जिसको हम इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन भी बोलते हैं। बीटी टॉक्सिन जो है वो एग्जिस्ट करता है इन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स में, ठीक है, किसमें एग्जिस्ट करता है, बीटी कॉटन जो है सॉरी बीटी टॉक्सिन जो है वो किस चीज में एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट करता है ओनली इनएक्टिव इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन में ही जो है वो एग्जिस्ट करता है, ऑन इन द डाई इनडाइजेशन या इंजेशन ऑफ इट बाय द इंसेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच और गट सोल्यूबलाइजर क्रिस्टल। ये एक्टिव करता है टॉक्सिन को एंड बाइंड करता है उसके सरफेस से, जो भी मिडगट का सरफेस होता है या एपिथेलियल सेल का जो मिडगट होता है वहां पे जाके वो बाइंड करता है और क्या क्रिएट करेगा, वो क्रिएट करेगा फिर कुछ टाइप के पोर्स। ठीक है, पोर्स को क्रिएट करेगा, स्वेलिंग करेगा, लाइसिस करेगा और लास्टली जो हमारा मेन वर्क है कि इंसेक्ट की डेथ कराना, उसको मार देना जिससे हमें आगे चीजों की यूज ना पड़े, वो वही काम करेगा। ठीक है, तो क्या मेन चीज क्या है, बीटी टॉक्सिन एक प्रोटीन होता है जिसका क्या काम है, वो खाली इंसेक्ट को किल करता है। ठीक है, उसका मेन काम है। अब उसको एक्टिवेट करने के लिए वो टॉक्सिन जो है वो मिडगट के एपिथेलियल सेल के जो मिडगट है उससे जाके बाइंड कर जाएगा उस सरफेस से और फिर क्या करेगा, वो पोर्स क्रिएट करेगा, स्वेलिंग हो गया, लाइसिस हो गया, उससे क्या होगी, इंसेक्ट्स की डेथ हो जाएगी। बीटी टॉक्सिन जो है वो आइसोलेट होता है किससे, बैक्टीरिया से आइसोलेट होता है, कोडेड बाय द जीन क्राय। ठीक है, किससे क्राय, बहुत सारे जीन्स होते हैं उनसे कोडेड होता है और डिफरेंट टाइप के इनकॉर्पोरेटेड इन टू द क्रॉप प्लांट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट, जैसे क्राय ए सी, क्राय सेकेंड ए बी, ये क्या है, कॉटन बल वॉर्म है एंड क्राय फर्स्ट ए बी जो है कॉर्न बॉबर है। ठीक है, इन सब चीजों से इनका मेन वो होता है। ठीक है, आई थिंक ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि अब बीटी कॉटन का मेन काम क्या होता है, ये कैसे ये वर्क करता है, कुछ भी नहीं करता है ये बीटी टॉक्सिन, नहीं बीटी टॉक्सिन जो होता है मेन, मैं भी बीटी टॉक्सिन की बात कर रही हूँ, ये खाली इसका मेन काम क्या है, ये प्रोटीन को या इंसेक्ट्स को किल करता है और ये एक प्रोटीन टाइप का होता है। अब वो इंसेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, आर्मी वॉर्म हो सकता है, मॉस्किटो हो सकते हैं, फ्लाइज हो सकती हैं, बीटलाइज हो सकती है, मतलब टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स हो सकते हैं जिनको ये किल करने का काम करता है
कुछ नहीं करता, जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो बाइंड करता है मिडगट के एपिथेलियल सेल के सरफेस से जाके बाइंड करता है, और क्या क्रिएट करता है, पोर्स को क्रिएट करता है, लाइक स्वेलिंग, लाइसेस या डेथ होना इंसेक्ट का, ये सब ये काम करता है। ठीक है, ये देखिए, ये एक आपके पास पूरा बैक्टीरिया है, ये आपने डीएनए एक्सट्रैक्शन का वर्क किया, डीएनए एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन किया, यहाँ पे आपने क्लोनिंग एंड डिजाइन किया जीएनए, ठीक है, उसके बाद आपने ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया, सेल कल्चर एंड टिश्यू कल्चर स्टार्ट किया, प्लांट ब्रीडिंग की एंड प्लांट ग्रोथ करी। ठीक है, ठीक है, तो जो भी बीटी जीन है वो हम ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर फ्रॉम द बेसिलस इनटू द कॉर्न। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो यूरोपियन कॉर्न फॉबर होता है फीड करेगा कॉर्न प्लांट को, और इंसेक्ट इंजेक्ट करेगा प्रोटीन कोडेड बाय द बीटी जीन, उसके बाद बीटी जीन जो है वो पेनिट्रेट कर जाएंगे एंड कोलैप्स कर देंगे सेल लाइनिंग के एंड गट को, एंड द इंसेक्ट जो है फाइनली डाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बीटी जो है इनएक्टिव फॉर्म में स्प्रेड ऑन द क्रॉप, इंसेक्ट बाय द ईटन बाय द इंसेक्ट, टॉक्सिन चीजें जो एक्टिवेट होंगी बाय द एल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट, उसके बाद इंसेक्ट स्वेलिंग गट ऑफ द इंसेक्ट जो स्टार्ट हो जाएगा, एंड फाइनली जो है इंसेक्ट की जो है वो डेथ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट क्या होता है, एंड देन पढ़ेंगे मेथड टू जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप थ्रू द आरएनए। तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट वो होता है, बीटी टॉक्सिन नॉट ए टॉक्सिन, वो कोई टॉक्सिन नहीं है टू द ऑल द पेस्ट, ठीक है, वो कोई सभी पेस्ट के लिए टॉक्सिन नहीं है, और पेस्ट बिकम ए रेजिस्टेंस अगेंस्ट द बीटी टॉक्सिन। ठीक है, कुछ अनदर अप्रोचेज होती हैं जो डेवलप करती हैं पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप को, ठीक है, अगेंस्ट द नेमेटोडा पैरासाइट जो आरएनए इंटरफेरेंस करता है, मतलब आरएनए आई करता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए जो टोबैको की रूट्स होती है इज एग्जांपल ऑफ ए आरएनए इंटरफेरेंस, जिसको हम आरएनए आई भी बोलते हैं। तो जो प्रिंसिपल है आरएनए आई का वो डेवलप करता है पेस्ट रेजिस्टेंस को, साइलेंसिंग ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ ए स्पेसिफिक आरएनए। तो मेन आरएनए आई जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो जितने भी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर होता है, एंड एज ए मेथड ऑफ ए सेल डिफेंस। और क्या मेथड है, सेल का सेल डिफेंस करना। ठीक है, द साइलेंसिंग ऑफ द स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए, इट्स अ टाइप ऑफ ए आरएनए मॉलिक्यूल जो इनहेंस करता है और इनहिबिट करता है आरएनए का ट्रांसलेशन को, एंड देन बाइंड कर जाता है एमआरएनए और प्रिवेंट करता है ट्रांसलेशन। से सोर्सेज ऑफ ए डबल स्टैंड आरएनए एंड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, जो भी वायरस है या ट्रांसपोनल जेनेटिक एलिमेंट है वो रेप्लिकेट होता है बाय द, किसकी वजह से, आरएनए मीडिएट की वजह से या आरएनए इंटरमीडिएट की वजह से। ठीक है, तो अब आता है मेन मेथड की जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थ्रू द आरएनए आई। तो एक वेक्टर हम लोग यूज करते हैं जिसको हम लोग आग्रो बैक्टेरियम बोलते हैं, वो जेनेटिकली इंजीनियर है जो स्पेशली यूज किया जाता है, जो पिछले आप कुछ क्लासों से आप ये आग्रो बैक्टेरियम बहुत ज्यादा ही सुन रहे होंगे, क्योंकि एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड वेक्टर है जो हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, वो इंट्रोड्यूस करते हैं एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ए जीन में या तो डीएनए में। निमाटोड जो होता है वो स्पेसिफिक जीन है जो इंट्रोड्यूस करा जाता है कि इसमें होस्ट प्लांट्स में या अदर ट्रांसजेनिक प्लांट में उसको इंट्रोड्यूस करा जाता है। तो डीएनए इंट्रोड्यूस होता है एंड देन प्रोड्यूस करता है बोथ सेंसेस एंड एंटीसेंस। आरएनए के लिए आरएनए इन होस्ट में ये दोनों चीज टाइप की चीजों को प्रोड्यूस करता है, सेंस और एंटीसेंस दोनों प्रोड्यूस करता है। सिंस सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए जो होता है आर द कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है डबल स्टैंड डीएनए में, और इसका मेन वर्क क्या है, ये इनिशिएट करता है आरएनए आई को, मतलब ये इनिशिएट करता है आरएनए इंटरफेरेंस को। जब नेमेटोड जो होता है इन्फेक्ट द प्लांट, इंट्रोडक्शन ऑफ द नेमेटोड जीनोम टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द डबल स्टैंडर्ड आरएनए, साइलेंस स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ द नेमेटोड एंड इनिशिएशन ऑफ द आरएनए आई।
पेस्टिसाइड्स के अंदर कोई भी एबिलिटी नहीं होती कि वो होस्ट के जाके सरवाइव कर सकें, देन एक्सप्रेस कर सकें एमआरएनए आई को, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। लाइक ट्रांसजेनिक प्लांट जो होते हैं रेजिस्टेंट एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन, अभी तक जो आपने कवर अप किया वो थी एग्रीकल्चर के अंदर मेडिसिन। अब स्टार्ट करते हैं हम कि इसके अंदर में एग्रीकल्चर में थी आपकी एप्लीकेशन, अब स्टार्ट करते हैं मेडिसिन के अंदर। तो फर्स्टली डायग्नोज करना, किसी भी डिजीज को ट्रीट करना, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज को ट्रीट करना, रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स वगैरह को इन्फेंट करना, प्रोटेक्ट करना किसी भी डेंजरस डिजीज से थ्रू द जीन थेरेपी, और जीन थेरेपी न्यू और हेल्दी जीन कैन बी इंसर्टेड टू द रिप्लेस द डैमेज सेल, डैमेज सेल को हटा के कोई नई थेरेपी के थ्रू कोई भी नया जीन जो है या कोई हेल्दी जीन जो है उसको इंसर्ट करना, ठीक है, ये मेन काम होता है। टारगेटेड एक्शन ऑफ ड्रग बाय द थ्रू द स्टडी ऑफ द जीनोमिक्स, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट थेरेपीज जो होती हैं वो इंट्रोड्यूस करी जाती हैं, वो कभी भी ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं कराई जाएंगी अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स के थ्रू एज ए केस ऑफ द सिमिलर प्रोडक्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। थर्टी रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स इन प्रूफ फॉर द ह्यूमन यूज द 12 ऑफ द दीज मार्केटेड इन द इंडिया। जेनेटिक मॉडिफाई इंसुलिन मेनली यूज किया जाता है, डेफिशिएंसी जिस भी पर्सन को इंसुलिन की होती है जिसको कॉज क्या करता है, जिसको वो डायबिटिक कॉज हो जाती है वो कंट्रोल होती है बाय द टेकिंग इंसुलिन। अगर आप एक रेगुलर इंटरवल में एक रेगुलर पीरियड ऑफ द टाइम तक इंसुलिन का इंटेक करते हैं तो डायबिटीज जो होती है वो कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ डायबिटीज जो है वो कंट्रोल हो जाती है। तो ट्रेडिशनली व्हेन द ह्यूमन इंसुलिन वर नॉट एबल, जब ट्रेडिशनली ह्यूमन इंसुलिन अवेलेबल नहीं थी तो इंसुलिन ऑफ एनिमल जैसे कैटल का हो गया, पिक का हो गया, एनिमल इंसुलिन जो किया जाता था वो ट्रिगर करते थे कुछ ह्यूमन रिस्पॉन्स को, लाइक एलर्जी हुआ या कुछ केमिकल रिएक्शन हो जाती थी इन फॉरन इंसुलिन से जो विल नॉट बी इफेक्टिव। बैक्टीरिया वर द जेनेटिकली इंजीनियर, उन्होंने प्रोड्यूस किया एक ह्यूमन इंसुलिन एक लार्ज क्वांटिटी में एज ए बैक्टीरिया और उसको ईजिली ग्रो कराया एक कल्चर मीडिया के अंदर, ठीक है। ये वर्क फर्स्टली क्रिएट किया गया था 1983 के अंदर और ये एक अमेरिकन कंपनी में ही स्टार्ट किया था। तो इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन का मेन वर्क क्या होता है, वो रेगुलेट करता है, वो हार्मोन को रेगुलेट करता है जो ब्लड शुगर हार्मोन है उनको रेगुलेट करता है और एडमिनिस्ट्रेट करता है पेशेंट को विद द डायबिटिक, ठीक है। एक मैच्योर इंसुलिन होता है जिसके अंदर टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइल चेन होती है जिसको हम लोग चेन ए और चेन बी भी बोलते हैं, जो किससे लिंक्ड होता है, वो लिंक्ड होता है डाइफॉस्फोलाइट ब्रिजेस से लिंक्ड होता है, ठीक है। इंसुलिन जो होता है वो सिंथेसाइज होता है एज ए प्रो हार्मोन इन ऑल मैमल, जितने भी मैमल हैं उनमें सिंथेसाइज होगा एज ए प्रो हार्मोन, ठीक है। ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड और एडिशनली सी पेप्टाइड जो होता है वो मैच्योर, जो भी मैच्योर इंसुलिन है उसके अंदर एब्सेंट होता है या उसको रिमूव कर दिया जाता है ड्यूरिंग द मैच्योरेशन। वेट गाइस, यूजिंग द आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जिसके अंदर दो डीएनए सीक्वेंस होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग चेन ए एंड बी ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं प्लाज्मिड में, इकोलाई का जो प्लाज्मिड है उसमें इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन की चेन को सेपरेटली। तो जो चेन ए एंड बी होती है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है एंड कंबाइंड होती है बाय द डाइफॉस्फोलाइट बॉन्ड से या ह्यूमन इंसुलिन से। ठीक है, तो मैच्यूरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू द इंसुलिन, प्रो इंसुलिन से इंसुलिन का जो मैच्यूरेशन है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि वो क्या चीज है, वो क्यों होता है, किस लिए होता है, उसका क्या मीनिंग है, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो प्रो इंसुलिन के पास एक बी सेल पेप्टाइडेज होता है जिसपे एक प्रॉपरली इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है।
ठीक है, इंसुलिन होता है एंड प्लस फ्री सी पेप्टाइड प्रेजेंट होते हैं। तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑफ इंसुलिन सिंथेटिक डीएनए अनकोडिंग बी जेन होता है, इसको जीन फ्रॉम द बी या बीटा चेन, देन बी चेन पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट होता है, इंसर्ट इनटू द सेपरेट पेप्टाइड एक्सप्रेशंस। ठीक है, सॉरी गाइस, जो भी आज पीछे से आवाज आ रही है उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जो वर्क किया हमने इंसुलिन के अंदर वो आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ये एक सिंथेसाइज डीएनए है बीटा चेन का, आपने जीन के अंदर उसको इंसर्ट किया, ठीक है, एक बीटा चेन पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन हुआ। ये ये चेन थी, या इसको बीटा चेन बोल लो या बी चेन बोल लो, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास डीएनए अनकोडिंग है ए चेन की, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला दिया था टू टाइप ऑफ चेन, और पीछे जो भी डिस्टर्बेंस है उसके लिए आई एम रियली सॉरी, ठीक है। तो हमारे पास दो चेन है, उसके बाद हमने उसको उस प्लाज्मिड में जो भी हमारे पास वेक्टर प्रेजेंट है या जो भी हमारे पास है उसमें हमने उसको इंसर्ट किया, उस ए जीन को और बी जीन को। मेन हमने काम किया था कि उस प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट कराना। तो इंसर्ट हम कहाँ करवाते हैं, इंसर्ट भी हम उसी साइड कराते हैं जो हमारी कॉस साइड प्रेजेंट होती है, जिसको हम को साइड बोलते हैं, हम वही इंसर्ट कराते हैं। देन ट्रांसफॉर्म करते हैं इकोलाई को विद द वेक्टर और क्लोन करते हैं सेपरेटली एंड एड द इंड्यूजर टू द इनिशिएट द प्रोटीन सिंथेसिस। फिर इंड्यूजर्स का ऐड कराते हैं जिससे प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो इनिशिएट हो सके एंड स्टार्ट हो सके। फिर जो हमारा ए स्टैंड था, मतलब जो ए चेन और बी चेन थी, उनको हम प्यूरिफाई करते हैं और मिक्स करते हैं ए चेन और बी चेन को, एंड देन हमारे फॉर्मेशन होता है इंसुलिन का। तो नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है, एक करेक्टली थेरेपी है जो करेक्ट करती है या ट्रीट करती है किसी भी हेरिडिटी डिजीज को। कोई भी आपको हेरिडिटी डिजीज है या आपके जीन में कोई डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको जो ठीक करता है, उसको जो करेक्ट करता है वो होती है जीन थेरेपी। वो डायग्नोस्ड होती है इन अ चाइल्ड या द एम्ब्रियो। मेथड वेयर द जीन इंसर्टेड इनटू द सेल और द टिश्यू टू ट्रीट दिस डिजीज। मेथड क्या है, या तो सेल में या टिश्यू के अंदर आपको चीज इंसर्ट करनी पड़ेगी जिससे जो है वो जीन इंसर्ट करना पड़ेगा जिससे जो है वो डिजीज से जो है आप ठीक हो सकें, ट्रीट हो सकें। तो प्रिंसिपल क्या है जीन थेरेपी का, नॉर्मल जीन व्हेन गेट इंसर्टेड इनटू द इंडिविजुअल जीन, कोई भी नॉर्मल जीन है आपने किसी इंडिविजुअल जीन में, इंडिविजुअल सेल में या उसके एम्ब्रायो में इंसर्ट किया, विच जीन डिफेक्ट द नॉर्मल जीन विट ओवर द फंक्शन ऑफ एंड कॉम्पनसेट ऑफ फॉर द नॉर्मल नॉन फंक्शनल जीन। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी की जो हुई थी वो 1990 में हुई थी, 4 साल की एक लड़की के साथ, उसको इंसर्ट किया था एडिनोसिन उसको एडीए की डेफिशिएंसी थी। तो फर्स्टली जीन थेरेपी जो थी वो उस टाइम पे क्लिक की गई थी। इनिशियली उसको ट्रीट किया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया एंड बाय द एंजाइम, एक रिप्लेसमेंट थेरेपी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो उसके साथ किया गया था। मेथड कैसे ट्रीट किया गया, एडीए जो है थ्रू द जीन थेरेपी कैसे ट्रीट किया गया। एडीए डेफिशिएंसी एक डिसऑर्डर होता है जो हेरिडिटरी डिसऑर्डर बोलते हैं, जो कॉज होता है ड्यू टू अगर कोई जीन नहीं प्रेजेंट है या किसी जीन के अंदर कोई डिलीशन हो गया, मतलब कोई चीज डिलीट हो गई है, तो उसको ट्रीट किया जाता है, उस डिसऑर्डर को ठीक किया जाता है। तो एंजाइम एडिनोसिन जो होता है वेरी क्रूशियल फॉर द इम्यूनो सिस्टम फंक्शन, उसके इम्यूनो के फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा गलत होता है। तो जीन थेरेपी में लिम्फोसाइट जो होते हैं फ्रॉम द ब्लड, ब्लड के अंदर जो लिम्फोसाइट्स हैं या ब्लड पेशेंट्स के अंदर जो लिम्फोसाइट्स हैं वो आइसोलेट किए जाते हैं, देन उनको एक कल्चरल मीडिया में ग्रो किया जाता है। जो फंक्शनल एडीएस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है वो इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसके अंदर, लिम्फोसाइट के अंदर थ्रू द रेट्रो वायरल वैक्टर, एंड फिर वो रिटर्न कर देते हैं हम पेशेंट को। तो सिंस द लिम्फोसाइट्स हैव ए शॉर्ट लाइफ स्पैन, एक छोटी सी लाइफ स्पैन होती है जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड होती है लिम्फोसाइट, और पीरियडिकली इंट्रोड्यूस कराया जाता है पेशेंट में। बट इफ जीन इज आइसोलेटेड, बट अगर जीन को आइसोलेटेड है किससे, बोन मैरो से या मैरो सेल से आइसोलेट है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूसिंग करेगा एडीए को एंड इंट्रोड्यूस करेंगे इन टू द सेल इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो प्रीमेच्योर स्टेज होती है उसके टाइम पर।
तो फर्स्टली क्या है, सेल को हार्वेस्ट किया जाता है पेशेंट में से। पेशेंट में से पहले सेल निकाला जाता है, लैब में वो वायरस को अल्टर किया जाता है जिससे वो रिप्रोड्यूस ना हो सके, ठीक है। फिर उसके अंदर जीन इंसर्ट किया जाता है इनटू द वायरस, वायरस के अंदर जीन इंसर्ट किया जाता है एंड फिर उसको मिक्स किया जाता है पेशेंट का जो सेल है उसके साथ हम मिक्स करते हैं। फिर सेल जो है बिकम ए जेनेटिकली अल्टर। अब यहाँ पे क्या होगा, वो प्रोटीन भी प्रोड्यूस करेगा एंड सेल जो है वो इंजेक्ट भी होगा इनटू द पेशेंट बॉडी, ठीक है। पहले क्या है, वो सेल बिकम्स द अल्टरनेटिव जेनेटिकली अल्टर, उसको पेशेंट के अंदर डाला गया। फिर वहां पे कुछ इंजेक्शंस वगैरह उसकी पेशेंट की बॉडीज को लगाए गए एंड देन सेल ने प्रोड्यूस करी एक डिजायरेबल प्रोटीन, जो जिस चीज की हमें नीड थी उसी चीज की प्रोडक्शन हमने करी। नेक्स्ट इज ए मॉलिकुलर डायग्नोसिस, क्या होता है। देन मैं सोचती हूँ कि पीसीआर पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है आज, आई थिंक कर भी सकते हैं, कोई बहुत सारी चीजें नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा आज ये चैप्टर। हाँ हो जाएगा। तो नेक्स्ट इज मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक, क्या एक टेक्निक है जो यूज की जाती है किस चीज के लिए, किसी भी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए या किसी भी चीज डिजीज को मॉनिटर करने के लिए, उसके रिस्क को डिटेक्ट करने के लिए या उसमें क्या थेरेपी हम लोग यूज करेंगे ये डिसाइड करने के लिए। ये बेस्ट वर्क होता है किसी भी इंडिविजुअल पेशेंट के साथ करने के लिए। द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज कैन बी इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव होता है। अर्ली जो होती है वो डायग्नोस करना, किसी भी बीमारी को अंडरस्टैंड करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप किसी भी बीमारी को अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर ले तो इट्स वेरी गुड। कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस लाइक सीरम के थ्रू, यूरिन एनालिसिस करना, ये अर्ली डिटेक्शन है डिजीज का, बट ये पॉसिबल नहीं होता है। अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल विद द एडवांस मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक डिजीज डायग्नोस्टिक। इसी स्टेज में कुछ अर्ली कौन कौन सी चीजों में आप कर सकते हो, एडवांस फॉर्म क्या है, लाइक आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करो, पीसीआर पे वर्क करो, एलाइजा करो, तब आप कुछ बड़ी डिजीज का के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हो। कन्वेंशनल मेथड जो है वो डिटेक्ट करते हैं द प्रेजेंस ऑफ द पैथोजन, ठीक है, बैक्टीरिया एंड वायरस व्हेन द डिजीज इज वेल स्टेब्लिश। जब डिजीज वेल स्टेब्लिश हो जाती है तो प्रोड्यूस करती है डिजीज को, सिम्टम्स को और पैथोजन की हाई बॉडी को। द सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स क्या क्या है, लाइक पीसीआर से आप डिटेक्ट करते हैं पैथोजन को इवन एट ए वेरी लो कंसेंट्रेशन, अगर आप बहुत लो कंसेंट्रेशन पे तब भी डिटेक्ट हो सकता है एचआईवी, किसी भी पेशेंट को एड्स या एचआईवी है तो वो भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। डिटेक्ट द म्यूटेशन इन द जीन इन द कैंसर पेशेंट के अंदर, कोई जीन म्यूटेशन हो गया है आप वो भी इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। डिटेक्ट मैनी जेनेटिक डिसऑर्डर, और बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। पीसीआर रिक्वायर ए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, पीसीआर को क्या चाहिए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए चाहिए होता है या आरएनए चाहिए होता है जो टैग्ड होता है विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के साथ एंड जिसको आप हाइब्रिडाइज करवा सकते हो कम्प्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में इन द क्लोन्स। फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन द नेक्स्ट स्टेप इज ए ऑटो रेडियोग्राफी, क्लोन विद अ म्यूटेशन, जो भी म्यूटेटेड जीन होता है वो अपियर नहीं होता इन द फोटोग्राफिक फिल्म में एंड प्रो विल नॉट बी हैव ए कॉम्प्लीमेंट्री विद अ म्यूटेड जीन। जैसे आपका एक क्लिनिकल सैंपल है एंड यहाँ पे आपका डीएनए प्रिपरेशन हो रहा है, आपने इन दोनों को एम्पलीफाई किया एंड प्रोब्स यूज करे तो आपने डिटेक्शन सिस्टम को यूज किया, ठीक है। जैसे एलाइजा इज अनदर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक जो डिटेक्ट करता है किसी भी एंटीजन को या किसी फॉरेन सब्सटेंस या फॉरेन पैथोजेंस को, ठीक है। आप इस पे वर्क क्या कर सकते हैं या वर्क ऑन प्रिंसिपल क्या है, आपका मेन क्या काम है, आप एंटीजन और एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन कराएंगे, इंट्रैक्शन करवाना इज मेन थिंग। एलाइजा क्या है, इसे डिटेक्शन है, डिटेक्ट करता है पैथोजन को बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, एंटीजन की प्रेजेंस में और बाय द एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन, ये ऐसा होता है एलाइजा। नेक्स्ट इज ए ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी डिफाइंड एज ए एनिमल दैट हैव ए डीएनए मैनिपुलेटेड इनटू द प्रोसेस एंड एक्सप्रेस्ड इन ए फॉरेन जीन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। रीजंस क्या है क्यों हम ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस करते हैं, या तो किसी नॉर्मल फिजियोलॉजी या डेवलपमेंट की वजह से या किसी डिजीज की स्टडी करने की वजह से या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट या
वैक्सीन से है, सेफ्टी या केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग की वजह से। ठीक है गाइस, इसमें कुछ पॉइंट्स रह जाएंगे जो इस पीपीटी में इंक्लूड नहीं है, तो आई एम ट्राई करूंगी कि मैं जो भी चीजें बच गई हैं वो कल कवर अप करें। तो ट्राइजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू स्टडी द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द जीन, लाइक हाउ जीन आर रेगुलेट, कैसे जीन रेगुलेट होता है, कैसे वो अफेक्ट करता है नॉर्मल फंक्शंस पे ऑफ बॉडी में, एंड कैसे डेवलपमेंट होता है। जैसे इंसुलिन की स्टडी करना लाइक ए ग्रोथ फैक्टर, इन्वॉल्व इन द ग्रोथ कैन बी डन बाय टू इंट्रोड्यूसिंग, सॉरी एक मिनट यार, ठीक है, नॉर्मल चीजें, नॉर्मल डेवलपमेंट वगैरह होना, ठीक है। स्टडी ऑफ इंसुलिन लाइक द ग्रोथ फैक्टर इन्वॉल्व इन द ग्रोथ कैन बी डन बाय द इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम द अदर स्पीशीज दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ द फैक्टर। नेक्स्ट क्या है, स्टडी ऑफ डिजीजेस लाइक ए ट्रांसजेनिक एनिमल मॉडल फॉर द ह्यूमन डिजीज, इन विच द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द न्यू ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज कैन ऑल्सो बी अंडरस्टैंडिंग हाउ जीन कॉन्ट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज। ट्रांसजेनिक एनिमल्स मॉडल क्या है, कैंसर होना, सिस्टिक फाइब्रोसिस होना, ठीक है, ये सब डिजीज में काउंट होते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, सम ऑफ विच आर द मेडिसिन की जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल कैन क्रिएट करते हैं बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ जीन विच कोड बाय द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे इंड्यूस ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल प्रोडक्ट इन द मीडियम, ठीक है, ह्यूमन प्रोटीन होना, ठीक है। अटेम्प्ट आर द ब्रिंग मेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेक्यू एंड द सिस्टिक फाइब्रोसिस। 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी, या जिसको हमने रोजी नाम दिया था, वो प्रोड्यूस हुई थी ह्यूमन प्रोटीन से, अनरिच मिल्क, 4.4 ग्राम पर लीटर उसका मिल्क प्रोटीन था। द ह्यूमन अल्फा लैक्टोबैलियम एंड द न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन बेबीज एंड देन नेचुरल काउ मिल्क। वैक्सीन सेफ्टी क्या, फॉर द वैक्सीन सेफ्टी, वैक्सीन आर द फर्स्ट टेस्टेड ऑन द ट्राइजेनिक माइस, चूहे के अंदर ही सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। डेवलप फॉर द यूज इन द टेस्टिंग, यूज किया जाता है बिफोर दे आर यूज ऑन द ह्यूमन। ट्रांसजेनिक चूहा जो होता है वो यूज किया जाता है और टेस्ट किया जाता है जिससे सेफ्टी रहे। फर्स्टली पोलियो वायरस वैक्सीन जो होता है वो भी उसी के ऊपर यूज किया गया था सबसे पहले। इस सक्सेसफुली एंड फाउंड टू द रिलायबल, जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं और उनको सब कुछ ठीक लगता है, दे कुड रिप्लेस द यूज ऑफ मंकी एंड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ बैचेज ऑफ द वैक्सीन। फिर उसके बाद वो मंकी पे वो यूज स्टार्ट करते हैं, देन वो उनको क्लियर होता है। ठीक है, क्लिनिकली सेफ्टी टेस्टिंग क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स जितने भी हैं, जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो इंट्रोड्यूस विद अ जीन विच मेक देम मोर सेंसिटिव देन द नॉन ट्रांसजेनिक, दे आर देन द एक्सपोज टू द टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, टॉक्सिक टेस्टिंग जो होती है एनिमल्स के अंदर वो अलाउ करती है कि वो रिजल्ट दे सके, कि जो रिजल्ट आ सके बहुत कम टाइम में। ठीक है, ये सब जो क्या है, ये सब देखो ट्रांसजेनिक ही है। आप इस चूहे को देखो, तो जब भी कोई भी ट्रांसजेनिक किया जाता है, कोई भी वैक्सीन किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हर चीज जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। आप यहाँ पे देख सकते हो इनकी क्या हालत हो गई है। ठीक है, तो इसलिए सब पे नहीं किया जाता, कुछ लिमिटेड बैच पे किया जाता है जिससे उनको रिजल्ट्स पता चले कि क्या होगा, एंड देन नेक्स्ट जो है फिर वो और लोगों पे रिसर्च कर सके। ठीक है, इथिकल इश्यूज क्या आते हैं वो सारे हम लोग को क्लियर करने हैं अभी। ठीक है,
तो नेक्स्ट इज इथिकल इश्यूज क्या है. मैनिपुलेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द ह्यूमन रेस रिक्वायर सर्टेन रेगुलेशन. इथिकल स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड टू रेगुलेट द मोरालिटी ऑफ द नॉट ऑल ह्यूमन एक्टिविटी दे माइट हेल्प ऑफ द हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑब्वियसली अगर आप चूहे पे कोई एक्टिविटी कर रहे हो, चूहे पे कुछ कर रहे हो, तो 1% ऑफ हार्म तो उनकी बॉडीज को भी होगा. तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट, उनका एक अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट रहता है व्हेन सच ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इकोसिस्टम. इंडिया गवर्नमेंट हैज सेट अप द ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन सेट करी थी जिसको हम लोग GEAC बोलते हैं, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी, विच मेक द डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ द इंट्रोड्यूस GM ऑर्गेनिज्म फॉर द पब्लिक सर्विसेज. द मॉडिफिकेशन यूजेज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द पब्लिक सर्विसेज फूड के लिए हुआ, मेडिसिन सोर्स के लिए हुआ है, ऐसे एग्जाम्पल्स क्रिएट किए जाते हैं. ठीक है, द यूजेज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल प्लांट एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज बाय द कंपनी, उन्होंने ग्रेट किया विद ए पेशेंट के साथ, ट्रिगर किया विद ए पब्लिक एंगर एंड सिंस दे हैव बी आइडेंटिफाइड एंड डेवलप एंड यूज बाय द फार्मा एंड पीपल बाय द स्पेसिफिक कंट्री. ओवर द 200,000 वेराइटी ऑफ राइस फाउंड होती है इंडिया में, विच मेक द इंडिया रिचेस्ट. ठीक है, बासमती इज अ वन टाइप ऑफ राइस बट विद अ यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर. देयर इज अ 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटी ऑफ बासमती ग्रोन इन द इंडिया. ठीक है, 1997 में अमेरिका कंपनी गॉट ए पेटेंट राइट ऑन द बासमती राइस थ्रू द US पेटेंट एंड द ट्रेडमार्क ऑफिस. दिस विल अलाउ द कंपनी टू सेल ए न्यू वेराइटी ऑफ बासमती इन द US एंड द अब्रॉड. इसी वजह से वो एक नया वेराइटी सेल कर रहे हैं बासमती का कहाँ पे, US एंड अब्रॉड में. और दिस न्यू वेराइटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली ड्राइव बाय द क्रॉसिंग विद ए सेमी ड्राफ्ट वेराइटी एंड क्लेम देयर इज एन इन्वेंशन ऑफ द नोवेल्टी. द पेटेंट एक्सटेंडेड टू द फंक्शनल इक्विवेलेंट एंड एम्प्लाइंग दैट अदर पीपल सेलिंग बासमती राइट कुड बी रेस्ट्रिक्टेड बाय दिस पेटेंट. पेटेंट देखो बासमती का कासमती टैक्स टैक्समती, ये देखिए आप. Several attempts has been done to the patent use product के लिए या process based भी अदर Indian traditional herbal medicines के लिए जैसे turmeric neem. We should be the counter these patent application through other other countries individual may uncash on rich legacy and we may not able to something about it. ये क्या है patenting करना plant genes के ऊपर या other biological products के ऊपर अदर कंट्री में. यू बायो प्राइवेसी बायो प्राइवेसी इज ए यूजेज ऑफ बायो रिसोर्स बाय द मल्टी नेशनल कंपनीज या कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन में विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन. एक प्रॉपर ऑथराइजेशन नहीं मिला फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट डेवलप कंट्रीज पेटेंट द नॉलेज एंड द रिसोर्सेज ऑफ द अनडेवलप्ड कंट्री एंड एंजॉय द इमेंस प्रॉफिट. Individualized nations are rich financially but poor in the biodiversity and in traditional knowledge. The developing and the underdeveloped world is rich in the biodiversity and the traditional knowledge related to the bioresources. Traditional knowledge related to the bioresources can be exploited to the modern develop modern application and can also serve to save the time. ओके गाइस, तो ये सारी चीज थी कि इंडियन पार्लियामेंट ने क्लियर कर लिया कि सेकंड कि उन्होंने एक बिल बना दिया इंडियन पेटेंट बिल जो विद द टेक सच इश्यूज इनटू द कंसीडरेशन इंक्लूडिंग द पेटेंट द टर्म ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन एंड रिसर्च डेवलपमेंट इनिशिएट. तो गाइस यहाँ पे ये सारी चीजें आई थिंक कंप्लीट होती है. इसमें कुछ आई थिंक छोटा छोटा पार्ट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बच गया है अभी भी. तो आई विल ट्राई कि मैं उसको कल पूरा ख़त्म करने की कोशिश करूँगी. कल तो मैं 101% ख़त्म ही कर दूँगी इस चैप्टर को. मैं आपको बताती हूँ हमने क्या बचेगा अगर इसमें बच्चा होगा तो. इंसुलिन और वैक्सीन पढ़ लिया बट हमने स्टेम सेल टेक्नोलॉजी भी नहीं पढ़ी. GM के अंदर हमने BT कॉटन नहीं पढ़ा है. ठीक है, हाँ तो हमारे 2-3 टॉपिक ही बचते हैं इसके अंदर जो होपफुली हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे. तो ये चैप्टर जो है वो कल कंप्लीट हो जाएगा. मोस्टली सारा चैप्टर जो है वो अभी कंप्लीट हो चुका है. एंड गाइस होप सो आप लोगों को चीज़ें क्लियर हों. और कल की वीडियो जो थी वो बहुत ज़्यादा लो थी. आई नो वेरी वेल बहुत ही ज़्यादा लो थी. मेरे को भी बाद में वीडियो देख के बहुत ही अजीब सा फील आया. बट कल थोड़ा इशूज़ थे, नहीं हो पाया, मूड भी ठीक नहीं था.
एंड होप सो आज की वीडियो अच्छी हो, समझ में भी सब कुछ अच्छे से आया हो, क्योंकि ट्राई तो पूरा किया है. तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस लेक्चर. आई होप आप सब अच्छे होंगे. और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अच्छे से पढ़ाई करिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि एक यही टाइम है जिसपे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, चीज़ें कवर अप कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मेरे से इजीली पूछिए. एंड आई एम सॉरी कि मैं इतना गंदा क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मैं पेन टैप से पेन यूज़ ही नहीं कर रही थी, मैं कुछ और ही कर रही थी. तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस लेक्चर एंड दिस चैनल. एंड प्लीज़ 400 होने में मेरे 3 सब्सक्राइबर बचे हैं, 3 और 2. प्लीज़ आप में से कोई भी 2 जने और सब्सक्राइब करवा दीजिए. थैंक यू, मेरे 2 सब्सक्राइबर के 400 हो जाएंगे. बहुत पुराने महीने का ट्रायल है, बट लास्ट 6 मंथ से आई थिंक ये प्रॉपर ट्रायल चल रहा है, जिसमें थोड़े सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए हैं. तो प्लीज़ आप लोगों की रिक्वेस्ट है और भी सब्सक्राइबर इंक्रीज करवाने में आप मेरी हेल्प करें. प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल्स में इस लिंक को शेयर करें, जिससे और लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस लेक्चर. आई होप ऑल आर गुड. तो आज के लिए बस इतना ही. आई थिंक अब हम लोग कल मिलेंगे, तब कल का लेक्चर और इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि कुछ ही पार्ट बचे हैं अब इसमें. एंड आज की वीडियो तो होपफुली आपको अच्छी भी लगी हो. तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट.